से पुनः आप लोगों के बीच हाजिर है अपने इस बीपीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में क्लास ऑफ 6 to 8 के लिए डेसिमल नंबर स्टार्ट किया था। डेसिमल नंबर होता क्या है हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। डेसिमल नंबर के बारे में हमने चर्चा कर चुका था, आज हम उसी के बारे में, कल हमने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर को लिखते कैसे हैं, डेसिमल नंबर लिखने के बाद उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया रहता है तो उसे हम भिन्न में कोई संख्या दी होती है उसे दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सब चीजों को हमने कल सीख लिया था। आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी असमान, समान या असमान दशमलव, समान या असमान दशमलव का मतलब क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं कि समान, यहां पे दो प्रकार का, एक तो समान दशमलव संख्या, समान दशमलव संख्या, और दूसरी आपकी असमान दशमलव संख्या, असमान दशमलव संख्या। इसका मतलब क्या है, समान और असमान कहने का मतलब क्या है, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग में समान संख्या के अंक होते हैं, ऐसी दशमलव संख्या जिनकी दशमलव संख्या के बाद, जिनकी दशमलव संख्या दशमलव भाग में समान अंक होते हैं उसे हम समान दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 72.012, 72.012, इसका मतलब यह है कि हमने क्या बोला कि समान दशमलव संख्या उसे कहेंगे जिनके दशमलव संख्या के बाद समान अंक हो, जैसे 72.034 या 0.384 या 8.674 या 56.876। हम क्या देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद तीन डिजिट इसमें भी है, 3 डिजिट इसमें भी है, 3 डिजिट इसमें भी है और 3 डिजिट इसमें भी है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि समान दशमलव हम उसे कहेंगे जब दशमलव के बाद की संख्या का हो समान, अगर संख्या समान होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, दशमलव संख्या समान दशमलव संख्या कहेंगे। और असमान दशमलव संख्या का मतलब यह होता है कि दशमलव के बाद संख्या समान, अंक समान नहीं होंगे, जैसे 8.47 8.476 हमने लिख दिया और उसके बाद हमने 0.3 लिख दिया या 3.7654 लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो क्या किसी में डेसिमल के बाद समान संख्या है, नहीं है, तो इसीलिए ये असमान दशमलव होता है और ऊपर वाला क्या होगा, समान दशमलव होगा। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब कि दशमलव भाग में, इसका कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद नहीं है या दशमलव भाग में, क्योंकि ये वाला संख्या क्या हो गया, ये वाला तो पूर्णांक हो गया ना, ये वाला कल हमने बताया था, ये वाला पूर्णांक हो गया और ये वाला क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। बोलिए, डेसिमल पार्ट हो गया। तो हमने ये बोला कि जब डेसिमल पार्ट में मतलब दशमलव भाग में यदि उसके अंक समान है तो उसे हम समान दशमलव या इक्वल डेसिमल नंबर कहेंगे, और असमान में क्या होता है कि डेसिमल भाग में यदि उसके डिजिट समान नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसिमिलर डेसिमल नंबर या असमान दशमलव संख्या कही जाती है। अब इसका मतलब यह है, जैसे इसका स्थानीमान, इसका स्थानीमान में बहुतया से प्रयोग होता है, बहुतया से प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल में प्रयोग करने का मतलब क्या होगा। जैसे हमने बोला, आइए आगे देखिए, हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है
4, 3, 6 हमने बोला कि आपको 4 का या 5 का आपको निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है 5 का। तो 5 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम 5 × 1 इसके बाद कितने डिजिट है उसको क्या नाम क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। अगर कोई डिजिट नहीं हम क्या करेंगे, 0 0 0 कर देंगे, दशमलव लगा के 0 0 0 कर देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर हम स्थानीय मान की अगर हम बात करते हैं, प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होगा, ये चीज होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज, अगर यही चीज यहां दिया होगा, 4 का बोला होगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, इसका तो 5 का तो 5 हो गया, 5 हो गया 5 क्योंकि दशमलव का। अगर 4 का बोला होता तो आप क्या करते, 4 का निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट इसमें आते हैं। हमने देखा 4 × 2 और दशमलव के बाद आया है ना, दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो हम यहां पर 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.4। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 0.4। ऐसा कुछ समझ में ठीक। तो इसी तरीके से हम इसको करते हैं। अगर इसी में 7 का पूछा तो, इसी में 6 का पूछा तो, अगर इसी में 6 का पूछेगा तब क्या करेंगे, 6 × 1/1000। बोलिए 1000 करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तीसरे प्लेस पे आ रहा है और 3 0 हमें लगाना पड़ेगा, वहां पे एक ही 0 था और यहां पे क्या करना पड़ा, हमें 3 0 लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि 1 2 3। अब जब आप करेंगे तो 0.006 आपका, यानी 0.006 आपका। इस तरीके से इसका हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू निकालना कोई कठिन नहीं होता, प्लेस वैल्यू आपको मतलब फिर से आप एक बार प्लेस वैल्यू देख लीजिए, इसका डेसिमल का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, हम यहां पे देख रहे हैं कि 347.687। हमारे देखने का मतलब ये हुआ कि सब क्या देख रहे हैं, अगर हमें बोलेगा कि 4 का निकालने के लिए, तो 4 का तो हम आसानी से निकाल लेंगे, 4 × 1 उस पर 1 = 40 हो जाएगा ठीक। 3 का बोलेगा 3 का भी निकाल लेंगे, 3 × 1 × 00 = 300 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 6 का पूछे तो क्या करेंगे, तो 6 × 1/5 इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, हम 1 0 से कर देंगे, किस अंक पे, 1 पे, तो हम 10 से करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। अगर 8 का पूछ लिया तो 8 × 1/5 कितने डिजिट हुए, 1 2 2 0 = 0.08 हो गया। 7 का पूछ लिया तो 7 × 1/5 कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 0 = 0.00 आसानी से निकल जाएगा। तो आप किसी भी संख्या, किसी भी डेसिमल नंबर का आप उसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हमने कल आपने सीखा कि प्लेस वैल्यू डेसिमल नंबर, किसी भी फ्रैक्शन को अगर कहीं पर भी डेसिमल नंबर दिया गया है और आपको बोला गया कि आपने इसमें, इसी तरीके से आपका विशिष्ट रूप हो जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगा, सबको पता है ना, हमने प्लेस वैल्यू से ही इसका एक्सपोनेंट फॉर्म सिखाया था। एक्सपोनेंट फॉर्म जिसको भी नहीं आता देख लीजिए एक बार, प्लेस वैल्यू हमने इसको बता दिया। अब आता है एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, ऑफ डेसिमल नंबर की एक्सपेंड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 456.236, इसका एक्सपेंड फॉर्म में निकालना है। एक्सपेंड फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन लोगों का आप लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं 4 × 1 इसके बाद कितने डिजिट है 00 प्लस 5 × 1 कितने डिजिट है 10 प्लस 6 × 1 हो गया इतना। अब उसके बाद प्लस ये क्या है आप देखिए 2 / कितने पर है 1 पर है 10 प्लस
3 डिवाइडेड अपॉन 2 पे है, 2 जीरो हमने प्लस 6 पे है तो हमने 3 जीरो। अब देखिए हम यहां पे प्लेस वैल्यू इसका निकाल, इसका क्या है एक्सपेंड फॉर्म कर दिया हम। एक्सपेंड फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि ये 400 हो गया प्लस ये 50 हो गया प्लस ये 6 हो गया प्लस ये 0.2 हो गया प्लस ये 0.03 हो गया प्लस ये 0.006 हो गया। बोलिए आसान है कि नहीं? एकदम आसान है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन बताइए? ये सब तो पढ़ाया हुआ है, ये सब चीजें, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई चीजें हैं आपको। हमने दशमलव, हमने किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना बता दिया था। इसके बाद आपको जैसे मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये तो सीखा था। लेकिन अगर आपको डेसिमल नंबर दिया गया है और बोला गया फ्रैक्शन बनाने के लिए, जैसे डेसिमल नंबर दिया गया है, हमने बोला कि कोई डेसिमल नंबर 0.36 है और आपको बोला गया कि इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 0 1 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 3 सब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने सब में मल्टीप्लाई किया उतने को डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, दाहिने चला जाएगा, तो 376 डिवाइडेड बाय 1। अब जहां जहां कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 2 से कटेगा, 2 3 का 6 1 2 6 का 12 2 6 का 12, अब यहां क्या आएगा 500 आएगा, फिर से कटेगा 1, उसके बाद यहां पे 8 यहां पे 3 यहां पे 250, कितना आएगा 183 डिवाइडेड बाय 250 आपका ये। मतलब ये है आपका कि आपको करना क्या है, जैसे कोई डेसिमल नंबर दिया गया है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उतने जीरो बढ़ा दीजिए, उसके बाद ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। ये सवाल आप देख लीजिए, जैसे 4.76 है, इसको आपको करना है डेसिमल या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला, 1 का मल्टीप्लाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उतने जीरो ऊपर कर दीजिए और जितने का ऊपर आप मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड कर दीजिए, इतना करेंगे आप तो 476 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा यहां पे। अब इसको काट दीजिए तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 8 जा 6 यहां पे 50 आ गया। अब काटेंगे 1 इसके बाद 1 इसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 25, ये आपका आंसर हो गया, आसान हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जितना भी प्लेस वैल्यू है, एक्सपेंड फॉर्म है, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, इतना चीज सीख लिया। इसके बाद अगले अटेम्प्ट में मिलेंगे तो और विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू मेरी बच्ची।